इस बार में मैक्सिमम लोग पहली बार लैपटॉप बाय करते और उनको उतना मालूम नहीं रहता कि कौन सा बेस्ट लैपटॉप है और कौन सा वर्स्ट है। तो इसीलिए मैं आपको लैपटॉप बताने से पहले 5 पॉइंट बताता हूँ जो कि आपको कोई भी लैपटॉप बाय करने से पहले देखना ही चाहिए। और अगर आप ये 5 पॉइंट देखकर एक लैपटॉप बाय करते हो सो डेफिनेटली वो बेस्ट लैपटॉप होगा। फर्स्ट इज रैम एंड स्टोरेज। इस बार में आपको मिनिमम 8 GB का रैम वाला लैपटॉप लेना है, उससे कम वाला तो बाई मत करना। और स्टोरेज 256 GB रहेगा तो चलेगा, बट 512 GB इज द बेस्ट फॉर माय सजेशन। एंड एक बात और दोस्तों, डोंट बाय HD लैपटॉप इवन बाय मिस्टेक, बिकॉज ऑफ वो बहुत ही पुराना है जिससे वो बहुत ही स्लो होता है। ओनली गो फॉर SSD लैपटॉप। सेकेंड पॉइंट इज प्रोसेसर। अगर आपको इंटेल का पसंद है तो आप इंटेल कोर i3 10th 11th या उससे ऊपर वाला ही जनरेशन बाय करना। और अगर आपको AMD का पसंद है तो आप AMD Ryzen 3 थर्ड जनरेशन 5th जनरेशन या उससे ऊपर वाला ही बाय करना। एंड थर्ड पॉइंट डिस्प्ले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसाइड करो कि आपको कौन से साइज का लैपटॉप लेना है। मार्केट में 3 प्रकार के लैपटॉप ज्यादा करके मिलते, 14 इंच, 15.6 इंच एंड 16 इंच। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो और आपको थोड़ा पोर्टेबल एंड हल्का लैपटॉप चाहिए तो आपके लिए 14 इंच इज द बेस्ट एंड 15.6 इंच इज द नॉर्मल साइज ऑफ लैपटॉप, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम लैपटॉप जो लॉन्च होते हैं ना इसी साइज में लॉन्च होते हैं। एंड 16 इंच इज द वेरी बिग डिस्प्ले, बट इस बार में आपको सिर्फ 14 इंच एंड 15.6 इंच वाला डिस्प्ले मिलता है। और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन फुल HD होना चाहिए, उससे कम मत लेना गाइस। फोर्थ पॉइंट बैटरी। मिनिमम 6 आवर का बैटरी बैकअप होना ही चाहिए और साथ में अगर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 11 इज द कंपलसरी लैपटॉप में होना चाहिए एंड जिसमें विंडो 11 नहीं है वो लैपटॉप इस वीडियो में नहीं है। और इस वीडियो में एक दो लैपटॉप है जिसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड, 180 डिग्री का हिंज एंड फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है इस बोर्ड में मिलना। तो आप ये 5 पॉइंट ध्यान में रख के आप अपने लिए बेस्ट लैपटॉप चूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, मगर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस तो एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर देना कि आपको कैसा लगा वीडियो। आते डायरेक्ट नंबर 5 पर। इस लिस्ट के नंबर 5 पर आते हैं चूवी कोरबुक एक्स। मैं जानता हूँ मैक्सिमम हम लोग इस ब्रांड को नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूँ ये एक चाइनीज ब्रांड है जो कि जल्दी में ही इंडिया में लैपटॉप लॉन्च कर रहा है और कम दाम में बहुत ही जबरदस्त फीचर दे रहे हैं, इसीलिए मैंने इस लैपटॉप को इस लिस्ट में रखा है। तो आइए देखते हैं कैसा है। लुक्स एंड डिजाइन आपको जबरदस्त मिल जाता है, तो आइए स्पेक्स देखते हैं। इसमें आपको 8 GB का DDR4 3200 MHz फ्रीक्वेंसी वाला रैम मिलता है जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, तो ये बात ध्यान रखना। और साथ में आपको 512 GB का SSD स्टोरेज जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, बट कितना कर सकते हो कंपनी ने बताया नहीं। तो आपको रैम एंड स्टोरेज अच्छा मिल जाता है। प्रोसेसर पे आए तो इसमें आपको इंटेल का i3 105G1 का चिपसेट मिलता है जो कि 10th जनरेशन वाला है। और साथ में आपको 2 कोर 4 थ्रेड्स 10mm फैब्रिकेशन पे बना ये चिपसेट। और साथ में आपको विंडो 11 प्री इंस्टॉलेड, इंटेल का USD ग्राफिक कार्ड और Cinebench 823 में इसका सिंगल कोर स्कोर 1100 आया है और मल्टी कोर स्कोर 2400 आया है, तो उस हिसाब से प्रोसेसर नॉर्मल है। डिस्प्ले पर आया तो इसमें आपको 14 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलता है और साथ में 280 निट्स पीक ब्राइटनेस। और साथ में इसमें आपको फ्रंट में LED वेब कैमरा, 46.2 Wh का बैटरी बैकअप जो कि आपका 8 आवर का बैटरी बैकअप दे देगा आराम से। और साथ में चार्जिंग के लिए आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है जो कि आपका लैपटॉप 60% 60 मिनट में चार्ज कर देगा। और कुछ फीचर बताओ तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट का बॉडी, 1.4 केजी का वेट, स्टीरियो स्पीकर, BT वर्जन 5.2, वाईफाई 6, फुल साइज कीबोर्ड और साथ में बैकलिट का भी सपोर्ट दिया गया है बॉस। पोर्ट्स के मामले में इसमें आपको 2 USB Type-A पोर्ट मिलता है, 1 USB Type-C पोर्ट है, 1 HDMI पोर्ट है, 1.5 जैक है, 1 चार्जिंग पोर्ट है और साथ में 1 माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आपको 14 इंच वाला लैपटॉप चाहिए था तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। प्राइस की बात करें तो उसका करंटली प्राइस 24,990 rupees है। तो अगर आपको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ चेकआउट मार सकते हो। हम आते सीधा नंबर 4th पर। इसके नंबर 4th पर आता है इन्फिनिक्स Y1 Plus। इसका लुक्स एंड डिजाइन आपको एकदम लाजवाब मिलता है, आप लोग खुद ही देख लो। और साथ में फीचर भी बार बार के मिलता है, बस वेट करो बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं रैम से। इसमें आपको 8 GB का LPDDR4X 3200 MHz फ्रीक्वेंसी वाला रैम मिलता है जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, तो ये बात ध्यान रखना। और साथ में 512 GB का Gen 3 SSD
जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 1 TB तक। तो आपका लैपटॉप स्टोरेज के मामले में फ्यूचर प्रूफ तो है, बट रैम के मामले में नहीं। आइए प्रोसेसर देखते। इसमें भी आपको इंटेल कोर i3 105G1 का चिपसेट मिलता है। इसमें आपको 2 कोर 4 थ्रेड्स 10 AM फैब्रिकेशन पे बना ये चिपसेट, और साथ में विंडोज 11, इंटेल का इंटीग्रेटेड USD ग्राफिक कार्ड, और साथ में सिनेबेंच R23 में इसका सिंगल कोर स्कोर 1100 है और मल्टी कोर स्कोर 2450 है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है विथ फुल HD के साथ, और साथ में एंटी ग्लेयर का सपोर्ट इसमें भी आपको दिया गया है। और तो और आपको 250 निट्स पीक ब्राइटनेस, 60% NTSC और साथ में 87% sRGB। तो अगर आपको डिस्प्ले बड़ा चाहिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैमरे पर आते इसमें आपको फुल HD वेब कैमरा मिलता है विद डुअल LED के साथ, और साथ में 50 Wh का बैटरी जो कि आपका 10 आवर का बैकअप दे देगा आराम से। और साथ में चार्जिंग के लिए आपको 65 Wh का चार्जर दिया गया है जो कि आपका लैपटॉप 75% 60 मिनट में चार्ज कर देगा। तो बैटरी बैकअप के मामले में जबरदस्त है भाई, इतना बैटरी बैकअप तो जल्दी कोई लैपटॉप देता नहीं। और कुछ फीचर बताओ तो इसमें आपको मेटल का बॉडी मिलता है, 1.76 kg का वेट है, 18.2 mm का थिकनेस है, स्टीरियो स्पीकर है, ब्लूटूथ 5.1 है, वाईफाई 5 का सपोर्ट है, और साथ में बैकलिट कीवर्ड है। इस बार में आपको मेटल का बॉडी मिल रहा है और बैकलिट कीवर्ड जो कि बहुत बड़ी बात है, और साथ में आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। हम आते सीधा प्राइस पर। इसका करंटली प्राइस 25,990 rupees है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते हो, लिंक मालूम है आपको कहाँ है, तो चले जाओ वहाँ। हम आते हैं सीधा घुमा फिरा के रामा थर्ड पर। इसका रामा थर्ड पर आता है हमारे जाने माने लिनो V15 लैपटॉप। लुक्स एंड डिजाइन आप देख सकते हो। हम आते सीधा स्पेक्स पर। इसमें आपको 8GB का DDR4 3200 MHz फ्रिक्वेंसी वाला रैम मिलता है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 16GB तक, और साथ में 512GB का SSD स्टोरेज मिलता है उसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, बट कितना कर सकते हो कंपनी वाले ने बताया नहीं है, तो इसलिए मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आपको रैम एंड स्टोरेज दोनों फ्यूचर प्रूफ मिलता है। प्रोसेसर पे आया तो इसमें आपको AMD Ryzen 3 5300U वाला प्रोसेसर मिलता है, और इसमें आपको 4 कोर मिलते हैं, 8 थ्रेड्स है, 7 nm पे बना ये चिपसेट है, और साथ में विंडो 11 तो मिल ही जाता है, AMD Radeon का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, और इसका सिंगल कोर स्कोर 1129 है और मल्टी कोर स्कोर 4649 है। तो आपको मल्टी कोर एकदम तगड़ा मिलता है, तो आप इसमें मल्टीटास्किंग एकदम आराम से कर सकते हो। तो आप आते हैं डिस्प्ले पर। इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है, और साथ में 250 nits पीक ब्राइटनेस भी दिया गया है बॉस। कैमरा के मामले में आपको HD कैमरा मिलता है, बट साथ में आपको प्राइसी शटर दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। और बैटरी आपको 38 Wh का मिलता है जो कि आपका 6 आवर का बैटरी बैकअप दे देगा, और साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है जो कि आपका 80% लैपटॉप 60 मिनट में चार्ज कर देगा। और कुछ फीचर बताए तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट का बॉडी, 1.7 kg का वेट है, 19.9 mm का थिकनेस है, डॉल्बी का स्टीरियो स्पीकर है, BT version 5.1 भी दिया गया है, वाईफाई 5 तो है ही, और साथ में फुल साइज कीबोर्ड भी दिया गया है बॉस, और आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाते हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो जबरदस्त लैपटॉप है भाई, पहला तो ब्रांडेड है, दूसरा तो अच्छा फीचर भी दे रहा है इस बार में, तो मेरे हिसाब से जबरदस्त लैपटॉप है। प्राइस की बात कर लेते हैं, इसका करंटली प्राइस है 27,636 rupees। प्राइस ज़्यादा मैं मानता हूँ, बट अगर आप सीधे ऑफर में बाय करोगे तो आपको ये लैपटॉप 25-26 हज़ार तक मिल जाएगा। तो अब आते हैं नंबर सेकंड पर। इसके नंबर सेकंड पर भी एक इन्फिनिक्स का लैपटॉप आता है, इसका नाम है इन्फिनिक्स इनबुक Y2 Plus। लुक्स एंड डिजाइन आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है, बट इसमें आपको फीचर थोड़ा डिफरेंट मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं रैम से। इसमें आपको 8GB का LPDDR4X 3733 MHz फ्रिक्वेंसी वाला रैम मिलता है जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, और साथ में 512GB का Gen 3 SSD जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, और साथ में आपको इंटेल कोर i3 1115G4 का चिपसेट मिलता है जो कि 11 जनरेशन का प्रोसेसर है, जिसमें आपको 2 कोर 4 थ्रेड्स 10 mm पे बना ये चिपसेट है, और साथ में आपको विंडोज 11 तो मिल जाता है, और साथ में आपको इंटेल का इंटीग्रेटेड USD ग्राफिक कार्ड भी दिया गया है, और उसका सिंगल कोर स्कोर आता है 1316 और मल्टी कोर स्कोर आता है 3125। अगर आपको थोड़ा गेमिंग वेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, बट हाँ बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं, नॉर्मल। डिस्प्ले बाद इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD+ एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है,
और साथ में 216 nits peak brightness, 60% NTSC और साथ में 83% sRGB। कैमरा आपको भाई फुल HD दिया गया है और साथ में डुअल LED फ्लैश के साथ। बैटरी आपको सेम मिल जाता है 50 Wh का और चार्जर भी आपको 65 Wh का ही दिया गया है। और कुछ फीचर बताओ जिसमें आपको मेटल का बॉडी, 1.76 kg वेट, 18.2 mm का थिकनेस, स्टीरियो स्पीकर, BT वर्जन 5.1, वाईफाई 5 का सपोर्ट और साथ में बैकलिट कीबोर्ड भी दिया गया है बॉस। और इसमें भी आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कौन कौन से वो। हम बात करते हैं सीधा प्राइस की। इसका करंटली प्राइस 27,990 rupees है। प्राइस ज़्यादा है मैं जानता हूँ, बट अगर थोड़ा वेट करके बाय करोगे तो आपको ये लगता है 25 से 26 हज़ार तक मिल जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो बाय कर सकते हो। हम आते हैं सीधा नंबर फर्स्ट पर। अगर आपको 25,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देना है तो आपके लिए ये लैपटॉप बेस्ट आएगा भी जबरदस्त फीचर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं रैम से। इसमें आपको 8GB का IPDDR4 4266 MHz फ्रीक्वेंसी वाला रैम मिलता है जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, और साथ में 512GB का स्टोरेज मिलता है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। प्रोसेसर बात, इसमें भी आपको इन्फिनिक्स वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि इंटेल कोर i3-1115G4 वाला है और ये भी 11 जनरेशन का ही चिपसेट है। इसमें भी आपको 2 कोर 4 थ्रेड्स 10 MHz बना ये चिपसेट है। विंडो 11 आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है, बट इसमें आपको इंटेल का Eri-X ग्राफिक कार्ड मिलता है जो कि थोड़ा मोर पावरफुल है इंटेल USD ग्राफिक कार्ड से। और तो इसमें आपको वेपर चैम्बर कूलिंग मिलता है जिससे आपका लैपटॉप ज़्यादा हीट नहीं होगा। और इसका सिंगल कोर स्कोर आता है 1315 और मल्टी कोर स्कोर आता है 3165। तो सिंगल कोर एंड मल्टी कोर दोनों सबसे हाई है इसी लैपटॉप का इस लिस्ट में। आते डिस्प्ले पर, इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है और साथ में 350 nits peak ब्राइटनेस और तो आपको 100% sRGB मिलता है। कैमरे बाद इसमें आपको फुल HD वेब कैमरा मिलता है विद फ्लैशी शटर के साथ, और साथ में आपको 70 Wh का बैटरी मिलता है जो कि आपका 17.5 hour का बैटरी बैकअप देगा, ये कंपनी क्लेम करती है। बट अगर आपको 12 से 13 घंटे मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपको 65 Wh का फास्ट चार्जिंग दिया गया है बॉस। और कुछ फीचर बताओ जिसमें आपको मेटल का बॉडी मिलता है, 1.56 kg का वेट है, 14.8 mm का थिकनेस है, DTS का स्टीरियो स्पीकर है, BT वर्जन 5.1 दिया गया है, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, फुल साइज कीबोर्ड है विद बैकलिट के साथ, और साथ में 180 डिग्री का हिंज भी दिया गया है, और तो आपको फिंगरप्रिंट भी दिया गया बॉस इस बार में, जो कि बहुत बड़ी बात है मिलना। और पोर्ट्स के मामले में भी आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स दिए गए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ओवरऑल मैं देखूँ इस लैपटॉप को तो मेरे हिसाब से भाई ये जबरदस्त लैपटॉप है। बस इसका एक ही डाउनसाइड मेरे हिसाब से लग रहा है कि इसका सर्विस सेंटर ज़्यादा नहीं है इंडिया में, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नहीं तो ओवरऑल आपको एकदम जबरदस्त फीचर दिया गया है। प्राइस भी सुन लो, इसका करंटली प्राइस है 23,990 rupees। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सभी लैपटॉप का, आपको जो भी अच्छा लगा हो आप बाय कर सकते हो। और अगर आप वीडियो के यहाँ तक आई गए और आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और इससे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।